प्रयागराज में आस्था के महापर्व कुंभ का आगाज हो गया है। 49 दिन चलने वाले इस मेले का समापन 4 मार्च को होगा और इस बीच 8 मुख्य पर्वों पर शाही स्नान होगा। शाही स्नान को देखते हुए प्रयागराज जिले में सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। शहर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों को शहर के बाहर बने पार्किंग स्थलों पर ही रोक दिया जा रहा है। इन पार्किंग स्थलों से मेला क्षेत्र तक आने के लिए शटल बसें और ई रिक्शा चलाए गए हैं। माना जा रहा है कि 49 दिन तक चलने वाले इस कुंभ मेले में करीब 12 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसमें 10 लाख के करीब विदेशी नागरिक भी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ 2019 को अब तक का सबसे भव्य कुंभ बता रही है और सरकार ने इसकी खूब ब्रांडिंग भी की है। शाही स्नान में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत सोने चांदी की पालकियों हाथी घोड़े पर बैठकर संगम में स्नान के लिए पहुंचते हैं। ये साधु संत अपनी अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं, जिसके जरिए शस्त्र और शास्त्र के समन्वय का संदेश देते हैं। मकर संक्रांति पर पहले शाही स्नान के मौके पर कई अखाड़ों के साधु संत स्नान कर चुके हैं। सभी 14 अखाड़ों को सन्यासी, बैरागी और उदासीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सन्यासी के तहत आने वाले अखाड़ों का नंबर है, फिर बैरागी और अंत में उदासीन के अंतर्गत आने वाले अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिल जाता है। कुंभ के दौरान शाही स्नान के बाद ही आम लोगों को संगम में डुबकी लगाने की इजाज़त होती है।